कूड़ा कचरा कहने सुनने और देखने में तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन इसका निस्तारण और प्रबंधन रोजगार का एक बड़ा जरिया है। लोग क्या कहेंगे, ऐसी बातें सोचकर लोग इसमें खुद को गंदा नहीं करना चाहते। लेकिन MBA की पढ़ाई कर गुमला के शुभम कुमार जायसवाल ने कबाड़ को रोजगार का एक बड़ा जुगाड़ बना लिया है। आज रांची में उनका कारोबार kabadi.com के नाम से काफ़ी फल फूल रहा है। हमारा स्टार्ट किया हुआ 5 साल हो गया kabadi.com का, और ये सर कबाड़ का बिजनेस तो लगता ही है थोड़ा सा कि हाँ ये है, लेकिन अभी रिसाइकलिंग का बिजनेस किस तरह से बढ़ रहा है अगर देखा जाए, प्लास्टिक का, ई वेस्ट का, मेटल का, कागज़ का, तो बहुत सारा अब रिसाइकलिंग होकर फिर से दोबारा यूज में आ रहा है। तो इस कारण से हम लोग ने इस कबाड़ के बिजनेस में आए और घर घर से सारा स्क्रैप को कलेक्शन करे, एक सुंदर बना रहे हैं अपने रांची को, झारखंड को, तो अच्छा लगता है सर ये सब। हाँ, हम लोग स्टार्टिंग में 3-4 जने थे, अभी तो करीब हमारे मेंबर 35 जन लोग हैं जो सारा कलेक्शन करते हैं, सेग्रीगेट करते हैं, सेग्रीगेट करने के बाद सारे रिसाइकलर को भेजते हैं। साल 2014 में MBA के बाद शुभम ने एक निजी कंपनी में नौकरी भी की, लेकिन संतुष्टि नहीं मिली। आखिरकार एक दिन एक कबाड़ वाले से उनका परिचय हुआ और एक नई सोच ने kabadi.com का मूर्त रूप ले लिया। आज ऑनलाइन माध्यम से लोग घर बैठे अपना कबाड़ बेच रहे हैं और kabadi.com इसे रिसाइकिल कर बड़ी कंपनियों को बेच रहा है। कूड़े कचरे को लेकर शुरुआत में शुभम समाज की हीनता का शिकार जरूर हुए, लेकिन जब जेब में पैसा आने लगा तो वही समाज तारीफ भी करने लगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात, हमारे 35 स्टाफ है, सबकी सैलरी अच्छी खासी है और हम लोगों को अर्निंग भी हो रहा है अच्छा से, और लोगों को एक अच्छा एप्लीकेशन मिल गया है कि जिसके थ्रू वो कबाड़ हम लोग को इजीली बेच सकते हैं सर। आज मैं यही उनको बताना चाहूँगा या बोलना चाहूँगा कि अगर पढ़ाई लिखाई किया तो कुछ नया इनोवेशन करना चाहिए, यह ना कि पुराना कि गवर्नमेंट जॉब प्राइवेट काम में लगे रहना चाहिए, कुछ न्यू इनोवेशन करके, न्यू टेक्निक लेके कुछ भी रोजगार का सृजन करना चाहिए सर। कई बार लोगों के मन में रहता है कि छोटा काम है या कबाड़ से जुड़ा काम है, इसे नहीं करेंगे, तो ऐसे सोच के लोगों के लिए। हाँ हाँ सर, ये छोटा और बड़ा काम कुछ नहीं होता है सर, अगर आप मेहनत से काम कर रहे हैं ना तो सक्सेस लाता ही है सर। तो मैं उनको कहूंगा कोई भी काम छोटा और बड़ा नहीं होता है सर। 3-4 लोगों से शुरू हुआ kabadi.com का दायरा आज बढ़कर 35 स्टाफ तक हो गया है। आज यहाँ रोजगार है, आमदनी है और नई सोच भी है। अब इन्हें फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहेंगे। हम यहाँ पे मतलब कि ज्वाइन किए थे तो उस टाइम पे अगर किसी को बताते थे कि हम लोग kabadi.com में काम करते हैं तो वो लोग एक दूसरे नज़रिया से देखते थे, वो लोग एक हंसी मजाक में भी ले लेते थे कि हम लोग kabadi.com में काम कर रहे हैं। मगर अभी का टाइम ऐसा हो गया है कि वो लोग थोड़ा सपोर्ट कर रहे हैं, वो लोगों को जब पता चला कि हम लोग रिसाइकलिंग करते हैं, जितना भी स्क्रैप लेते हैं वो रिसाइकलिंग के लिए लेते हैं, तो वो लोग अब हमें सपोर्ट करते हैं, वो लोग खुद भी जितना भी स्क्रैप होता है वो देते हैं, प्लस अपने फैमिली में अगर कोई भी होता है तो उनको भी देने के लिए वो लोग उनको प्रोत्साहित करते हैं कि देखिए ये लोग स्क्रैप लेता है, ये लोग रिसाइकलिंग के लिए लेता है। तो इसीलिए अभी के टाइम पे हम लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब कि वो लोगों से भी मोटिवेशन मिल रहा है कि वो लोग हम लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। इसमें देखिए अभी रिसाइकलिंग का जितना भी काम होता है, जितना भी वर्क होता है, इसमें कंप्यूटर से भी रिलेटेड है कि जितना भी हम लोग रिसाइकलिंग करते हैं या सेल परचेस करते हैं वो सारा हम लोग कंप्यूटर के थ्रू ऑनलाइन। शुभम जैसे युवा नई पीढ़ी के लिए एक मिसाल और सोच बनकर सामने आए हैं। लोग kabadi.com को एक नई पहल बता रहे हैं और उनके इस कदम की सराहना भी कर रहे हैं। शुभम जायसवाल, ऐसे युवा से सीख लेना चाहिए सभी युवाओं को कि मान लीजिए नौकरी नहीं मिला तो कोई गलत कदम उठा लेते हैं और गलत काम करने लगते हैं, मान लीजिए और सरकार को कोसते हैं कि नौकरी नहीं मिल रही है, मगर जो काम करने वाले लोग हैं उन्हें नौकरी की कोई ज़रूरत नहीं है, वो अपना काम अपने वथी से, पढ़ाई से और अपने मेहनत से कर सकते हैं। कहते हैं कि इंसान में जुनून और जज्बा हो तो वह मिट्टी को सोना भी बना सकता है। शुभम ने अपनी सोच से कुछ ऐसा ही कर दिखाया है जिसने
कचरे से खुद के लिए न सिर्फ आमदनी का जरिया बनाया बल्कि कईयों के लिए रोजगार का मार्ग भी प्रशस्त किया है। हितेश कुमार चौधरी, ईटीवी भारत, रांची।